पहुंचे प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस के एनेक्स भवन सभागार में मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिरंजीव चौरसिया जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अदरी बल बहादुर सीधे आपसे बात कर रहा है। अभी एक पंचायत और आदरणीय मनोज शुक्ला जी, नित्यानंद जी, जिले के हमारे महानगर के जिले के उपाध्यक्ष शेषवड़े जी, अच्युतानंद साहिब जी, हम सबके बीच में जिला महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती चंद्रा सुमन जी हैं। आपसे निवेदन है कि आप गोरखपुर महिलाओं की तरफ से लेकर आगे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। राम राकेश शुक्ला जी, सदानंद शर्मा जी, अध्यक्ष सुदर्शन साहनी जी, अनिल मौर्या, अनिल वर्मा जी, मनमोहन जी, पिछड़ा मोर्चा हमारे बीच इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में उसी की दृष्टि से आज आना हुआ था, लेकिन मैं जहां जाता हूं पहले भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता नेता उनसे भी मिलना रहता है मेरा, तो पहले मैंने कहा कार्यकर्ताओं को दर्शन कर लूं, फिर निषाद पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ विकास से जुड़े हुए विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनडीए वर्सेस पीडीए की जो एक लड़ाई, वो तो क्या लगता है? पूरा विश्वास है भारी अंतर से कमल खिलेगा और पीडीए का न वर्तमान है न पीडीए का भविष्य है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी आज एक बड़ा अभियान चला रही है, शिवपाल और समाजवादी पार्टी